हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के पश्चिम बिहार। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाव कार्निवल मेला लगा हुआ है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पश्चिम बिहार का वाव कार्निवल मेला घुमाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ की लोकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है, फ्रेंड्स यहाँ का टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के बारे में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा मेला घुमाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसी ही और वीडियोज के लिए। यहाँ की लोकेशन की बात करें तो दशहरा ग्राउंड नियर रेडिसन होटल बैरा एनक्लेव दिल्ली, ये फ्रेंड्स यहाँ की लोकेशन रहने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पीरागढ़ी का रहने वाला है। यहाँ के मेले की टाइमिंग की बात करें तो मेला शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेला यहाँ पर रहने वाला है और मेला पूरा 1 महीने तक यहाँ पर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं, ये है मेले का एंट्री गेट, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, एक एंट्री वहाँ से भी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का मेला। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको इस साइड दिखेगा वाव कार्निवल मेला, इधर लगा हुआ है जो कि, और एक मेला इस साइड भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मछली यहाँ पर है। इस वाले मेले के अंदर आपको जो है एक राम मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा और फिश टनल भी देखने के लिए मिलेगी। और इस वाले मेले के अंदर आपको फिश टनल देखने के लिए मिलेगी और बाकी मेला देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर वाव कार्निवल मेला आपको मैं घुमाने वाला हूँ, पूरा मेला आपको मैं इस वीडियो में घुमाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो में अंत तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, एंट्री करते ही आपको यहाँ दिख जाएगा एक बड़ा सा लाइटिंग वाला है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वाव कार्निवल। ये देखिए फ्रेंड्स, के अंदर काफ़ी कलरफुल लाइटिंग की गई है और ऊपर आप देख सकते हैं कलरफुल यहाँ पर झंडियाँ भी लगाई गई है। और सामने ही आपको टिकट काउंटर यहाँ का दिख जाएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है वाव कार्निवल एंट्री गेट। तो इस साइड से एंट्री होगी तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, सामने ही आपको मिल जाएगा यहाँ का टिकट काउंटर। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप टिकट लेंगे उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेले की टिकट यहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन रहने वाली है। फ्रेंड्स, एंट्री गेट के साथ में ही आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे कार पार्किंग 50 रुपये और टू व्हीलर के यहाँ पर 20 रुपये पार्किंग के चार्ज रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये है यहाँ की पार्किंग, कार के 50 रुपये और टू व्हीलर के यहाँ पर 20 रुपये रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर यहाँ लाइटिंग की गई है। आप सामने देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर मछलियों के यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और ऊपर फ्रेंड ये पूरे में देखो झंडियाँ कैसे लगाई हुई है। और ये फ्रेंड्स एक सेल्फी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, ये है फ्रेंड्स यहाँ की बटरफ्लाई। तो अभी ये खराब पड़ी है, जब इसको ठीक कर दिया जाएगा तो ये कलरफुल हो जाएगी और ऐसे ऐसे इसके पंख भी ऊपर नीचे मूव होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप वहाँ देख सकते हैं वो है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेने के बाद ही आप इस रास्ते से अंदर एंट्री कर सकते हैं मेले के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिश एक्वेरियम देखने के लिए मिलेंगे और टनल से होते हुए ही आप अंदर मेले के जा सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर एक यूनिकॉर्न दिख जाएगा गोल्डन कलर का, ये देखिए ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा यहाँ पर दिख रहा है। और नीचे लिखा हुआ है वाव कार्निवल, ये देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है वाव कार्निवल और उसी के ऊपर ये यूनिकॉर्न भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी टिकट ले ली है और मैं आपको लेके चलता हूँ मेले के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के फिश एक्वेरियम। तो फ्रेंड्स, एंट्री यहाँ से होगी, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको यहाँ पर अपनी टिकट चेक करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कारपेट कलरफुल बिछाई हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर वाव कार्निवल। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का एंट्री गेट, इसी के अंदर से होते हुए हम फिश टनल तक पहुँच पाएंगे। स्टार्टिंग में फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, कितना सुंदर ये लग रहा है, लाइटिंग इसके अंदर बहुत अच्छी की गई है। और साइड में आपको यहाँ पर पेंगुइन भी देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं अपनी, दोनों तरफ बनाए हुए हैं, एक सामने भी सेल्फी पॉइंट है ये देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो है फिश एक्वेरियम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद टनल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ यहाँ की। तो फ्रेंड्स, ये हमने अंदर एंट्री कर ली है और एंट्री करते ही यहाँ पर जो है आपको सेल्फी पॉइंट भी देखने के लिए मिलेंगे। अंदर एंट्री करते ही आपको कुछ एक्वेरियम्स इधर दिखेंगे एक रो में और कुछ एक्वेरियम्स इस साइड भी बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये वाले एक्वेरियम जो है आप उस साइड से भी देख सकते हो और इस साइड से भी देख सकते हो, तो ये दोनों तरफ आप विजिबल होंगे एक्वेरियम, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, इधर से भी हैं और इस तरफ से भी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना पहला एक्वेरियम दिखाता हूँ यहाँ पे जो मछलियों का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला एक्वेरियम और इसके अंदर आप देख सकते हैं वाइट कलर की फ़िश है, ये देखिए बहुत प्यारी फ़िश यहाँ पर है वाइट कलर की। ये हमारा पहला एक्वेरियम है, एंट्री करते ही ये वाला एक्वेरियम आपको दिखने वाला है पहला, और बहुत खूबसूरत ये फ़िश इसके अंदर रहने वाली है, देखिए वाइट कलर की, ये देखिए कई सारी इसके अंदर आपको वाइट देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, दिखाता हूँ मैं अब अगला एक्वेरियम, और ये वाला एक्वेरियम देखते हैं। इसके अंदर टर्टल है छोटे छोटे, ये देखिए फ्रेंड कई सारे आपको छोटे छोटे यहाँ टर्टल देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए बेबी टर्टल्स हैं इसके अंदर। और ये देखिए टर्टल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये एक ये भाग रहे हैं, देखिए
ये तैरता हुआ जा रहा है, देखिए एक नीचे भी आ रहे हैं। देखिए टर्टल्स देखने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं सामने उधर वाले भी एक बार देख लेते हैं। ये वाली फिश भी काफ़ी यूनिक सी लग रही है, और ये वाली फिश देखिए फ्रेंड्स कैसी है, एक जगह झुंड बना हुआ है इनका, रुकी हुई है और बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे नकली हैं, पूरी एक ही जगह स्टेबल है। देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। देखिए फ्रेंड्स ये सारी ग्रुप्स के अंदर है, ये येलो कलर की फिश है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर की, और सारी ही रुकी हुई है और कुछ व्हाइट कलर की भी है। ये देखिए व्हाइट कलर की एक ऐसे कर रही है, सारी एक ही जगह रुकी हुई है, हिल भी नहीं रही है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स इस वाले मेले के अंदर आप देख पाएंगे काफ़ी सारे आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये रेड कलर का लगा हुआ है, और इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको सेल्फी पॉइंट भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला एक्वेरियम देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर काफ़ी सारी फिश आपको देखने के लिए मिलेगी सिल्वर और वाइट कलर के अंदर। ये देखिए काफ़ी सारी है, पूरी झुंड के अंदर है यहाँ पर, तो ये वाली बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इस वाले एक्वेरियम में। ये बड़े वाला एक्वेरियम है, आप सामने देखेंगे तो छोटे एक्वेरियम है, और बीच की रो में आप देखेंगे तो बड़े बड़े एक्वेरियम है। और आप देख पा रहे होंगे उस साइड भी आपको एक्वेरियम दिख रहा होगा, ये आर पार दिख रहे हैं एक्वेरियम, जो फिश यहाँ दिख रही है वही फिश उस साइड भी दिख रही है पीछे की तरफ। तो आगे और चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना, मैं आपको सारे एक्वेरियम दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और पूरा मेला यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना और पूरा वीडियो को जरूर देखना। और देखिए फ्रेंड्स ये गोल्डन फिश है यहाँ पे कुछ, देखिए यहाँ पर गोल्डन फिश है ये काफ़ी सारी, इनके मुंह देखिए फ्रेंड्स कैसे ना आगे से काफ़ी बड़े बड़े से दिख रहे हैं। और ये वाली गोल्डन फिश देखिए कितनी सुंदर लग रही है वाली, ये पतले वाली, इसका मुँह थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जो उसके साथ में जो दूसरी फिश है उनके मुँह देखिए काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं ना आगे से, बोलूँ बोलूँ कुछ मल्टी कलर के अंदर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये बड़े वाले एक्वेरियम को दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर कुछ मल्टी कलर में है। देखिए ये वाली मेरी फेवरेट है ये फ्रेंड, और भी जो मैंने मेलों की पिक्चर बनाई है उसके अंदर भी ये देखने के लिए मिल जाएंगी आपको, मैं गया था तो वहाँ देखने के लिए मिली थी मेरे को ये, और मेरी फेवरेट ये वाली है। कई सारे मल्टी कलर के अंदर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, येलो है, रेड है, और सिल्वर कलर के अंदर, और रिफ्लेक्ट ये ग्रीन कलर का भी कर रही है। देखिए इसके अंदर तीन कलर की हैं, येलो है, वाइट है, ब्लैक है, तीन कलर के अंदर दिख रही हैं यहाँ पर। और ये देखिए ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर भी कुछ ब्लैक कलर की हैं, ये देखो एक जगह रुकी पड़ी है, ये देखो सारा झुंड एक तरफ इकट्ठा हुआ हुआ है। फिश कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। ये खाना खाती है? खाती है, यहाँ तो गीला हो रहा है, हाँ पानी आ रहा है। चलें दूसरे वाले में चलें, चलो चलो ये देखिए फ्रेंड, बच्चे तो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अभी धीरे धीरे शाम होगी तो और भी भीड़ होगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ बच्चे आए हुए हैं। ये देखिए इधर देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मछलियाँ देखिए यहाँ पे कुछ ना मल्टी कलर के अंदर, थोड़ी बड़ी साइज की है अंदर, ये देखिए इनका साइज कुछ बड़ा है। ये देखो ये थोड़े बड़े साइज़ के अंदर है, ये देखो एक ही जा रही है, जारी 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 एक ही जा रही है, जारी जारी, ये शायद कोई फिश है, कोई 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 वो ये सारी आगे इधर आ रही है, सारे इधर आ रही है ना, सारी भाग रही है इधर, हाँ ये इधर आ गई, ये सारी इधर आ रही है ना भागती, ये डर रही है। लास्ट वाला एक्वेरियम दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको फिर यहाँ की जो फिश टनल दिखाने वाला हूँ। इस वाले एक्वेरियम के अंदर एक ही फिश है, ये देखिए एक ही फिश है इसके अंदर, ये आ गई, आ गई, ये आ गई, ये जा रही है देखो। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी टनल, तो अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके जाने वाला हूँ उस टनल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हम टनल के अंदर हमने एंट्री कर लिया, और एंट्री करते ही हमें दिख रही है यहाँ पर छोटी छोटी मल्टी कलर की फिशेज, ये देखिए ये एंट्री पे ही देखने के लिए मिलेगी। ऊपर पानी भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ? अच्छा ऊपर पानी नहीं है, यहाँ तक ही पानी भरा हुआ है सिर्फ। फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग में ही देख पाएंगे यहाँ पे टनल के कुछ मल्टी कलर के अंदर फिश है, देखिए काफ़ी सारी भाग रही है, देखो किधर इधर उधर भाग रही हैं, तो ये काफ़ी सारी आप इधर देख पा रहे हैं, और इस साइड नहीं है अभी, ये वाला खाली पड़ा है, इस साइड ही आप मल्टी कलर में देख पाएंगे, और ऊपर अभी पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, तो ये हाफ हाफ पानी भरा हुआ है, लेकिन मछलियाँ यहाँ पे इजीली तैर पा रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए और आगे लेके चलता हूँ आपको टनल के, इस साइड भी आप देख पाएंगे मल्टी कलर के अंदर ही है यहाँ पर भी फिश, यहाँ पर कुछ दिख रही हैं बड़े साइज़ के अंदर, ये देखिए ये कुछ वाइट कलर की हैं, बड़ा साइज़ है इनका ना, काफ़ी बड़ी है ये देखिए फ्रेंड, ये वाली बड़े साइज़ की, ये देखो मुँह कैसे खोल रही है बार बार ऐसे ऐसे कर रही है अपना मुँह, एक ही देखो काफ़ी बड़ी है ना इसका, कितना बड़ा साइज़ है ना, और एक ही वाइट कलर की देखो काफ़ी बड़ी है ये भी, हाँ ये येलो कलर की भी है कि येलो कलर की जा रही है, ये गोल्डन टाइप है ना, ये गोल्डन टाइप है, इस वाली साइड आप देख पाएंगे काफ़ी बढ़िया। तो फ्रेंड हमने वहाँ से एंट्री की है, तो स्टार्टिंग में आप देख पाएंगे मल्टी कलर की है, और सेकंड ये दिख रही है यहाँ पे,
बड़े साइज के अंदर। तो और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये तो खाली पड़ा हुआ है अभी सारा, ये देखिए ये सारा खाली पड़ा हुआ है। और आगे चलते हैं, इधर देखिए यहाँ पर कुछ है। ये देखो फ्रेंड्स का पेट कितना मोटा हुआ हुआ है, काफ़ी मोटी है ना, हट्टी कट्टी फिश है। अच्छा ये एक ही इधर चल रही है, एक ही आ गई इधर भी आ गई, ये रही और एक ही इधर गई, ये रही ये जा रही है। ये कितनी बड़ी साइज की वाली, ये इधर आएगी शायद। तो अच्छी लग रही है फिश यहाँ पे, एंजॉइंग। तो फ्रेंड्स और अंदर लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए कुछ यहाँ पे भी है। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सारी शार्क फिश यहाँ पे आपको दिखा दूँगा मैं, देखो पूरे ग्रुप्स के अंदर है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी ग्रुप्स के अंदर है, ये देखिए पूरी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हमने वहाँ से एंट्री की थी और वहाँ से हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ की फिश मैंने सारी आपको दिखा दी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो टनल है ख़त्म हो गई, ये देखिए, और टनल ख़त्म होते ही फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू हो जाता है पूरा मेला। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्टिंग में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ सेल्फी पॉइंट्स, जिसके अंदर आप देख पाएंगे बड़ा सा एक रेडियो, ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सारे यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको सेल्फी पॉइंट तो यहाँ बहुत मिलने वाले हैं और फोटो आपकी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर आने वाली है। इतना अच्छा लग रहा है ना ये वाला भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोज़ तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है। और काफ़ी सारे देखिए इधर भी सेल्फी पॉइंट बनाए हुए, देखो उनके अंदर लाइटिंग भी बहुत लाजवाब की हुई है। और ये छोटा सा हट बना हुआ है देखिए, इसके अंदर एक बार आपको ले चलता हूँ मैं, ये देखिए ये हम हट के अंदर आ गए हैं। देखो ऊपर काफ़ी सारी लाइटिंग्स की हुई है, देखिए मल्टी कलर के अंदर है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इस हट के अंदर आ गया हूँ, काफ़ी सारी यहाँ पर मल्टी कलर की ना लाइटिंग्स की गई है। तो यहाँ सेल्फी पॉइंट तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं और फोटोज़ तो आपकी नंबर वन यहाँ पर आने वाली हैं। अगर आप फोटो के शौकीन हैं तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचिए और मेले को भी एंजॉय ज़रूर कीजिए यहाँ पर। एक ही हमारे साथ एक गुड्डा भी आया हुआ है, वो गुड्डा कहाँ मेरा, ये गुड्डा कहाँ है। तो फ्रेंड्स आज मेरे साथ जो है छोटा, ओ ये देखिए वो जा रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक रेडियो बनाया हुआ है, ये भी सेल्फी पॉइंट ही है। तो इसके अंदर सीटिंग भी है क्या? हाँ फ्रेंड्स इसके अंदर बैठने का भी बनाया हुआ है, देखिए ऐसे टांग अंदर करते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मानवीर अंदर बैठ गया इसके, ये देखो फ्रेंड्स ये भी यूनिक सा सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, मस्त लग रहा है पूरा ना। ये देखो एक बच्चा उधर बैठ गया, एक ये बैठ गया, दोनों अंदर बैठ गए इस टाइम, ये अंदर बैठ गया। फ्रेंड्स ये तो पूरा एंजॉय कर रहा है। ओए ये क्या हो गई सीट ये क्या हो गई, ये फोल्ड हो गई पूरी। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट टावर भी मिलेगा आपको, ब्लू कलर की लाइटिंग इसके अंदर की गई है, ये देखिए ये काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट है इधर भी बनाया हुआ, इसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं। ये देखिए एक इधर भी है, उस साइड भी बनाया हुआ है, यूनिकॉर्न के पंख बनाए हुए हैं। और ये देखिए और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक यहाँ फ्लावर भी हैं, देखिए काफ़ी सारे जो आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स हम सब बैठ गए अंदर और ये हमारी क्या है छोटी सी घोसला बन गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट मिलने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको यहाँ का वाव कार्निवल पश्चिम मेला पूरा घुमाने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखिए एक सेल्फी पॉइंट ये वाला भी है, ये मानवीर जा रहा ऊपर, चलो खड़े हो जाओ तुम्हारे पंख लग जाएंगे, लेकिन हाइट तो कम है, पंख तो सिर के ऊपर उग गए, नीचे तो हो गए ही नहीं पंख। चलो ये शाली उड़ने वाली है भाई, अंतरिक्ष में पहुँच जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम टनल से अंदर आए थे मेले के लिए और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको सेल्फी पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए चारों तरफ ये सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी शॉप्स, तो हमारी पहली यहाँ पर बुक स्टॉल लगी हुई है जहाँ पर आप नॉवल्स खरीद सकते हैं और कुछ यहाँ पेंटिंग्स भी बिक रही हैं, पेंटिंग्स भी आप ले सकते हैं। ये देखिए जैसे ये भोले बाबा की पेंटिंग्स है और ये राम भगवान की है यहाँ पर, और ये क्या लिखा है सब मोह माया। तो फ्रेंड्स ये सब मोह माया आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। तो भैया ये कितने कितने रुपए की है? 150 की है। तो फ्रेंड्स आप ये पेंटिंग जो है यहाँ पे 150 की ले सकते हैं, तो इनका प्राइस यहाँ पर 150 है। ये देखिए 20-20 रुपए के अंदर सेल लगी हुई है। यहाँ से कुछ गर्ल्स आइटम्स है जैसे ईयरिंग्स है, और ये कुछ ये बुलबुले फुलाते हैं वो है, और ये देखो पेन है यहाँ पर, ये थोड़ी बैंगल्स मिल रहे हैं, 20-20 रुपये सेल यहाँ लगी हुई है। कैंची है और ये हवा झोलने के लिए पंखा वाला झूला है, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है डबल डिक्स, तो ये डबल डिस्क फ्रेंड्स यहाँ पे झूला लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर एरोप्लेन वाला झूला भी है, तो इसकी टिकट यहाँ पर 50 रुपये रहने वाली है, वहाँ लिखा हुआ भी है।
ये देखिए एक वो बच्चा हवा में ही अटक गया। क्या 15 राउंड है, 50 रुपए के 15 राउंड है फ्रेंड्स। यहाँ पे गोलगप्पे ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है मोनिका की स्पेशल पानी पूरी, कृपया अपनी प्लेट डस्टबिन में डालें। तो यहाँ पर आप गोलगप्पे भी एंजॉय कर सकते हैं, भेलपूरी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्ट्राइकिंग कार का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्ट्राइकिंग कार्स भी है, ये दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर ये कर रहे हैं लोग बाग, ये देखिए ये है यहाँ की स्ट्राइकिंग कार्स। वाओ एक्शन मस्त है भाई, मस्त है। देखिए फ्रेंड्स आप स्ट्राइकिंग कार के मजे ले सकते हैं। इसकी मैं अभी टिकट बताता हूँ आपको कितने रुपये। तो फ्रेंड्स 100 रुपये की यहाँ पे ये स्ट्राइकिंग कार की जो टिकट है यहाँ पे, तो 100 रुपये रहने वाले इसके प्राइस। ये है यहाँ का कोलंबस, ये ऊपर जा रहा है। और फ्रेंड्स जॉइंट व्हील दो दो है यहाँ पे, एक जॉइंट व्हील उधर है एक इधर है। वो वाला काफ़ी कलरफुल लग रहा है और बड़ा भी लग रहा है, ऊंचा भी, साइज उसका ज़्यादा बड़ा है। और एक जॉइंट व्हील ये भी है और इसके साथ ही कोलंबस राइड है, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो रही है। और साथ में 1 जुलाई ये भी है, ये वाला तो अभी बंद पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जॉइंट व्हील है 3 है, एक उधर है एक उधर है और एक इधर भी है। यहाँ पर 3 राइड है यहाँ पे जॉइंट व्हील की। तो बच्चों की ट्रैम्पोलिन इधर भी आ गया, भूत बंगला भी यहाँ पे देखने के लिए। लकड़ी की भी आइटम मिल रही है काफ़ी सारी, जिसके अंदर फ्लावर पॉट है। और ये देखिए ये तोप है, ये घर की डेकोरेशन के लिए है ये। और ये गमले लगाने के लिए है, फ्लावर पॉट स्टैंड आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगे। और ये देखिए ये फ्लावर पॉट कुछ यहाँ पे भी है, काफ़ी सारी वुड की आइटम भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड वुड की जो है काफ़ी सारी रेंज है यहाँ पे, आप टॉय भी ले सकते हैं लकड़ी के। ये देखिए जैसे कि ये कार है, ये कार थोड़ी मेरे को अच्छी लग रही है बच्चों के खेलने के लिए। ये कितने की होगी भैया कार? ये 300 रुपये की है, ठीक है। और ये ट्रैक्टर वगैरह, ये 120 रुपये का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वुड के भी खिलौने मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं, और रेट भी ठीक ही है यहाँ पे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 120 की ये ट्रैक्टर है और 300 रुपये की वो बड़े साइज के अंदर कार है। और ये कितने का? 150 रुपये का। ये 150 रुपये का एक ट्रक है। तो की टांगने के लिए है, ये कितने का? ये 50 रुपये का। फ्रेंड 50 रुपये में आप ये भी ले सकते हैं। ये मेले के अंदर आप पान का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, यहाँ पर पान की स्टॉल भी लगी पड़ी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये पान की शॉप है, देख लीजिए एक बार। और इन भैया के पास जो है काफ़ी सारी वैरायटी है पान की, तो ये इन्होंने रेडी करके भी रखे हुए हैं ना। ये वाली कौन सी है? ये पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, मीठा पान। अच्छा ये पाइनएप्पल है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये मीठा पान है। तो फ्रेंड पानों की भी यहाँ पे काफ़ी सारी रेंज आपको मिल जाएगी, अगर आप पान के शौकीन है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आके। डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की हुई है इन पान वाले भैया ने, यहाँ पे भी छतरी लगाई हुई है, वहाँ पे भी छतरी लगाई हुई है। यहाँ पे आपको कई सारी गेम्स भी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आप गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसे कि एक गेम यहाँ पर ये है, ये नंबर बनाने वाले हैं, यहाँ पर आप बोल डालेंगे इसके अंदर ऐसे जाएंगी और जितने नंबर आपके जुड़ेंगे उतने का आपको यहाँ पर एक गिफ्ट मिल जाएगा, यानी कि इनाम आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि 31 नंबर है तो 31 नंबर आप यहाँ पर बनाएंगे तो 31 नंबर पर आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा, और 34 नंबर के ऊपर आपको मिलने वाला पूरा कटलरी मिलने वाली है। कई सारे सॉफ्ट टॉय भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट टॉय भी मिल रहे हैं। भैया कितने रुपए से कितने रुपए तक हैं ये वाले? सारे 100 रुपए के हैं, सारे 100 रुपए के हैं ये। और ये बड़े वाले सबसे बड़ा साइज जो है वो दिख रहा है पांडा, ऊपर की लाइन 850 रुपए की है, और बीच की है। अच्छा ये 250 और 350 की रेंज में है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है 100 रुपीज से शुरू है ये सॉफ्ट टॉय, और इनके पास 300 रुपये फिर 800 रुपये। ये सीटिंग एरिया देखो फ्रेंड्स कैसे बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं, अपनी फोटो भी क्लिक यहाँ पर करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पर इस मेले के अंदर सेल्फी पॉइंट दिए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड एक ये छतरी कितनी ब्यूटीफुल सी यहाँ पर बनाई, गन शॉट भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए इधर आप निशानेबाजी भी कर सकते हैं। तो भैया कितने रुपये ये गन शॉट? 100 के 10 शॉट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 रुपीज़ के 10 शॉट है ये। ये देखो ये गन यहाँ लाइन से रखी हुई है, कोई भी गन पिक करके आप शॉट लगा सकते हैं 100 के 10। तो फ्रेंड्स मैंने पश्चिम बिहार का वाव कार्निवल मेला आपको पूरा घुमा दिया है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कोई वीडियो जरूर पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।